विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज राजस्थान में दूसरी लिस्ट प्रत्याशियों की जारी की है। कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से कोटा दक्षिण सीट से संदीप शर्मा और सांगोद विधानसभा क्षेत्र से हीरा लाल नागर को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में हाड़ोती की 17 सीटों में से बीजेपी ने 8 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इन 8 प्रत्याशियों में 7 प्रत्याशी सिटिंग एमएलए हैं, जबकि एक प्रत्याशी हीरा लाल नागर जिन्हें पार्टी ने सांगोद विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, वो साल 2018 विधानसभा का चुनाव हार गए थे। ऐसे में पार्टी ने एक बार फिर नागर पर विश्वास जताया है। इधर कोटा दक्षिण विधानसभा सीट पर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने संदीप शर्मा को विधायक का प्रत्याशी बनाया है। संदीप शर्मा साल 2014 में कोटा दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़े थे और शर्मा तीसरी बार लगातार कोटा दक्षिण विधानसभा के विधायक निर्वाचित भी हुए। साल 2014 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सीट को सांसद निर्वाचित होने के बाद छोड़ा था। दावेदारी कर रहे हैं नेताओं को अब तीसरी लिस्ट का इंतजार है। वहीं कांग्रेस ने आज पहली लिस्ट जारी की जिसमें अभी कोटा जिले से एक भी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। ये तो कोटा दक्षिण का गढ़ है और यहाँ पर कोई भी कांग्रेसी ऐसी कल्पना करे तो सिर्फ हवाई कल्पना है, क्योंकि यहाँ लोगों के दिलों में कमल बसता है। यहाँ के लोग तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति को समझते हैं। यहाँ के लोग कांग्रेस के उन नेताओं को भी समझते हैं जो राजनीति में सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो ठेकेदारी कर सके। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि उस जिम्मेदारी पर खतरा उतरूंगा और ये सब मुझे जो टिकट दिया है वो कार्यकर्ताओं के भरोसे पर दिया है। निरंतर कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्रेम मेरे साथ रहा है, जिसके वजह से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। उधर कोटा की सांगोद विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता हरिप्रकाश शर्मा के समर्थकों ने आज दीगोद में हाईवे पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि हरिप्रकाश शर्मा को टिकट दिया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ता व हरिप्रकाश शर्मा के समर्थकों ने चेतावनी दी कि यदि किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया गया तो एक साथ कई कार्यकर्ता पार्टी भी छोड़ सकते हैं। हरिप्रकाश शर्मा के सैकड़ों समर्थकों ने विरोध जताते हुए कहा कि हरिप्रकाश शर्मा सांगोद विधानसभा क्षेत्र के जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता हैं, उन्हें पार्टी को दरकिनार नहीं करना चाहिए। हमने क्या होना चाहिए, हमारे तो यही मांग है कि हमारे प्रत्याशी को टिकट मिले, जिन्होंने हरिप्रकाश जी शर्मा को टिकट मिले, जिन्होंने 40 वर्ष से धरती पर सांगोद क्षेत्र में पूरा कार्य किया है, उस प्रत्याशी को काम करने वाले को टिकट दिया जाए, हमारी यही पार्टी से मांग है। दूसरे प्रत्याशी को पैराशूट प्रत्यक्ष को हम नहीं घुसने देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गरीबों के हित से और गांव के इस इलाके के अच्छे व्यक्ति हैं और इन्हीं को टिकट मिले और इन्हीं को वोट करेंगे, इनके अलावा और किसी को मिलेगा तो हम वोट नहीं करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि मतलब हमारे हरिप्रकाश जी शर्मा को टिकट मिले, बाहरी नेता बाहरी आदमी को नहीं मिले, अगर मिलेगा तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो व्यक्ति टिकट लेना नहीं चाह रहा है उसके ऊपर जबरदस्ती दबाव बना के टिकट दिया जा रहा है, ऐसा हम उन्हें नहीं देंगे। हमारी प्रकाश जी शर्मा के साथ है और यहाँ की 20,000 जनता भी प्रकाश जी शर्मा के साथ है। फिर भी मैं कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूँ कि जल्दबाजी न करें, शांति कायम रखें, पार्टी वाजिब निर्णय करेगी और मुझे लगता है कि अगर मेरे को टिकट मिलेगा तो इस सीट को मैं बड़े अच्छे ढंग से चुनाव लड़ूंगा और पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस सीट को निकालकर कांग्रेस की झोली में डाल दूंगा। आज कोटा शहर के बीच से गुजर रही कोटली नहर में बड़ा हादसा हो गया। एक ही परिवार के 2 बच्चे नहर में नहाते समय बह गए। नहर पर एक ही परिवार के कई लोग नहाने के लिए पहुंचे थे, उसी दौरान अचानक नहर के तेज बहाव में 2 जने संतुलन खो बैठे। दोनों को बचाने के लिए परिवार के 3 अन्य सदस्य भी नहर में कूद पड़े। बचाने कूदे लोगों का भी पानी के तेज प्रवाह में संतुलन बिगड़ गया और सभी लोग डूबने लगे। राहगीरों में मौजूद लोगों ने और स्थानीय गोताखोरों ने तत्काल पानी में छलांग लगाकर 3 जनों को तो नहर से बाहर निकालकर बचा लिया। विवेक और कुणाल नाम के 2 बच्चे नहर में उछल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोर टीमों को मौके पर बुलाया गया। दोनों डूबे बच्चों की नहर में तलाश की जा रही है। जिस परिवार के साथ ये हादसा हुआ उनके घर में किसी की मृत्यु होने के बाद नहर पर नहाने के लिए आए हुए थे। इसमें से 4-5 ये बह गए थे और जिसमें 3 तो निकल गए हैं।
और दो शायद रह गए हैं, तो विवेक और कुणाल नाम बता रहे हैं ये, अभी ये कंफर्म करेंगे, कहीं आगे हमें कोई कुछ मिलेगा तो पूरा कंफर्म होगा। अभी कहते हैं दो अभी गायब हैं, बह गए हैं। किसी आए थे सर यहाँ पे? ये कोई इनके घर में मौत हुई थी, तो उसके बाद रेस्क्यू बुला लिया SDRF। कोटा के नंदा इलाके में एक मकान में मिले शव के प्रकरण के मामले में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महिला युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पुलिस को गिरफ्तार महिला से पूछताछ में पता चला है कि मृतक युवक ने महिला के अश्लील वीडियो वायरल किए थे, जिसको लेकर महिला परेशान चल रही थी। नंदा इलाके में जब वो किराए के मकान में रहने आए तो उसी दौरान महिला ने कमरे में पत्थर से कुचल कर युवक की हत्या कर दी और कमरे को लॉक करके फरार हो गयी। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhabar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।